हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे RSMSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के बारे में कुछ स्टूडेंट या कैंडिडेट के मन में डाउट है या कुछ सवाल हैं, तो उन सवाल को आज हम ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो डाउट है स्टूडेंट के मन में, वो ये डाउट है कि जो हमारा इसमें एग्जाम होंगे वो दो एग्जाम होंगे या एक एग्जाम होगा। और दूसरा डाउट हमारा ये है कि इसमें जो हमारा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 आपका होने वाला है, तो इसमें आपके 40% और 40% नंबर अलग अलग लाना कंपलसरी है या नहीं है। तो इस बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो पेपर 1 और पेपर 2 है, इसमें 40-40% नंबर लाना कंपलसरी है या नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें आपको 40-40% नंबर लाना कंपलसरी है पेपर 1 में और पेपर 2 में। बात करते हैं डाउट नंबर 2 की, आपका कितने एग्जाम होने वाले। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब हमने नोटिफिकेशन पर डिटेल से बातें करी थी, कि आपका इसमें एक ही एग्जाम होने वाला है और ना ही इसमें आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है। सीधा आपका एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए कि आपका जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, इसमें 40-40% नंबर लाने आपके कंपलसरी है और आपका एक ही एग्जाम होगा। जो ये 40% नंबर लाने हैं, ये लाने हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए, OBC कैंडिडेट जो होंगे, कैटेगरी है EWS कैटेगरी वालों के लिए। तो इसमें आपको 40% लाने हैं। अगर मैं बात करूं SC और ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कंडीशन है, तो इसमें 5% की छूट दी गई है, इनको 35% नंबर लाने जरूरी हैं। अब बात करते हैं कि हमारा इस एग्जाम के लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है। तो सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो एग्जाम हमारा होने वाला है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, इस एग्जाम के बारे में हम क्या-क्या जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा पेपर 1 होगा जो नॉन टेक्निकल होगा और पेपर 2 होगा जो आपका टेक्निकल होने वाला है। और इसमें और क्या जानते हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी और वैकेंसी जो हमारी है वो 10,000 प्लस वैकेंसी है। तो जब भी कट ऑफ की बात करते हैं तो इसी तरह से अनुमान लगाया जाता है कि आपकी जो वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कितने फिल किए गए हैं, कैंडिडेट उस एग्जाम में कितने बैठे हैं। तो इन सभी को अंदाजा लगा के फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि जो आपकी कट ऑफ होने वाली है इसमें, वो आपकी कट ऑफ 110 से 120 के आसपास होगी, 110 से 120 के आसपास आपकी कट ऑफ होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं तो वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है और आपकी वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और दो मेन पॉइंट जो होंगे वो मैं भी आपको बताता हूं। ये एग्जाम पहली बार हो रहा है, इस पैटर्न पे एग्जाम पहली बार हो रहा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम जानते हैं कि पेपर 1 जो होगा उसमें हमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सिलेबस पूरा डिटेल दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा और पेपर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है आपको। तो अब आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, मैं बात कर रहा हूं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। तो अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो इसमें आपसे मैथ, साइंस, रीजनिंग और GK पूछी जा रही है। मैथ, साइंस, रीजनिंग और आपसे GK पूछी जा रही है, और टेक्निकल में आपसे टोटल टेक्निकल पूछा जाएगा, कोई भी उसमें नॉन टेक का पार्ट नहीं होने वाला है। तो ये बात हम जानते हैं। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, इसमें सबसे मेन बात जो होगी वो होगी आपकी GK। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम दिए होंगे, ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है, अगर नॉन टेक्निकल पार्ट है, अगर आप टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हो,
अगर उसमें सेक्शन वन और सेक्शन टू डिवाइड किया हुआ है और सेक्शन वन आपका नॉन टेक्निकल है और सेक्शन टू आपका टेक्निकल है, तो उसमें क्या होता है कि आपसे मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है, प्लस जीके पूछी जाती है। लेकिन जीके किस चीज की पूछी जाती है? जीके पूछी जाती है अपने भारत की, इंडिया के बारे में आप क्या जानते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हर एग्जाम में कॉमन होता है, ज्यादातर एग्जाम में कॉमन होता है, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल एग्जाम हो। अभी हम नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं। अगर नॉन टेक्निकल एग्जाम भी आप देने जा रहे हो तो इसमें भी यही चार सेक्शन पूछे जाते हैं, मैथ, साइंस, रीजनिंग और आपकी जीके। लेकिन जीके कहाँ से होती है? इंडिया से होती है। लेकिन पेपर वन में इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस तो कॉमन है, लेकिन जीके जो मेन डिफरेंस होगा वो होगी जीके। जीके जो पूछी जाएगी इस एग्जाम में वो आपसे पूछी जाएगी राजस्थान की। तो राजस्थान की जीके पूछी जाएगी। तो इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको राजस्थान का जीके अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हम इस एग्जाम को देने वाले, हम उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। एग्जाम तो बहुत स्टूडेंट देंगे, लेकिन उसमें से कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 40% नंबर भी नहीं लेके आएंगे। लेकिन हम किन की बात कर रहे हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान का जीके ही आपको क्वालिफाई कराएगा या आपको एग्जाम से बाहर निकालेगा, आपको ज्वाइनिंग से बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस इसकी तैयारी सब करते हैं, और टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल आपने पढ़ा हुआ है, तो इसकी तैयारी भी आपकी अच्छी होगी, अच्छी नहीं तो एवरेज तो होगी, तो ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन एक जैसे कह देते हैं ना कि एक क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो उसी तरीके से जो हमारा राजस्थान का जीके होगा, ये एक क्वेश्चन मान के चलिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए आपको कितना टाइम दिया गया है? अभी फरवरी चल रहा है और जो आपका एग्जाम होने वाला है वो मई या जून में होगा, ये बात नोटिफिकेशन में बताई गई है। और मई और जून में आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिलने वाला है। तो राजस्थान का जीके आपको या तो इस एग्जाम में पास कराएगा या आपको इस एग्जाम से बाहर ही निकाल देगा, यानी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो अगर मैं पेपर टू की बात करूं तो टेक्निकल है, इसमें सिलेबस आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है क्या क्या आने वाला है, और पेपर वन का भी सिलेबस आपको दिया गया है। तो 110 से 120 के बीच में, अब मैं बात करता हूं, देखो अगर आप 110 से 120 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने वाली है, अगर मैं बात करूं कि हमारे इसमें 50 नंबर आ जाते हैं 100 में से, और पेपर टू में भी 50 नंबर आ जाते हैं किसमें, 100 में से, तो क्या हुआ? तो हमारे 200 नंबर का पेपर होने वाला, तो 100 नंबर हमारे ये हो जाएंगे, यानी 50% नंबर जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं, तो इतने नंबर तो लेके आ ही सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अगर इसमें 55 या 60 के पास भी आप पहुंच जाते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है? 55 और 60 के आसपास पहुंच जाते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला। लेकिन अभी हम पकड़ के चलेंगे 50 नंबर का, ठीक है? ये 50 नंबर आप सिर्फ 3 सेक्शन में से लेके आओगे, मैथ, रीजनिंग और साइंस। ये 50 नंबर आपके 3 सेक्शन में से होने चाहिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस। बात रह जाती है राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके अभी अभी राजस्थान में 2-4 वैकेंसी निकली है, 2-3 वैकेंसी अभी निकली है, अभी जेई की वैकेंसी निकली है। तो उसमें भी क्या मेंशन किया गया है कि आपका राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, और जीके कितने नंबर का होगा? 30 से 40 नंबर का। 2 वैकेंसी निकली थी शायद जेई में, आपके 40 नंबर का जीके पूछा जा रहा है, कंफर्म नहीं हूं। और एक एग्जाम और है उसमें भी आपका 30 से 35 नंबर का राजस्थान का जीके पूछा जा रहा है। अगर आप मान के चलते हो कि हमारा मैथ, रीजनिंग और साइंस में से 50 नंबर का हम कर देंगे और उसके बाद आपका राजस्थान का जीके रह जाता है, तो राजस्थान का जीके रहने के बाद रह जाता है, तो आप उसमें क्या 20 से 25 नंबर या आप 20 नंबर तो ला ही सकते हो, इतने नंबर आ सकते हैं। तो इतने नंबर अगर राजस्थान जीके से आपने कवर कर लिए तो आपकी जो नंबर पहुंचेंगे वो कितने जाएंगे? अगर मैं 50 नंबर के अकॉर्डिंग बात करूं तो 120 नंबर आपके हो जाएंगे, और 120 नंबर में ये बात आप मान के चलिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 55 से 60 लेके आ जाते हैं आप,
और 55 से 60 इसमें लेके आ जाते हैं, या इसमें आपका टेक्निकल और भी ज्यादा अच्छा है 65 भी पहुंच जाते हैं, तो भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है अगर आप राजस्थान को कवर कर जाओगे, राजस्थान का जीके कवर कर जाओगे, क्योंकि राजस्थान का जीके ही है जो इस पेपर को क्वालिफाई करवाएगा या आपको उस पेपर से बाहर निकालेगा। तो ये बात आपको ध्यान करनी है कि आपको राजस्थान का जीके अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई इतनी। तो आपके अगर मैं 55-55 की बात करूं, अगर 55-55 नंबर भी आप लेके आ जाते हो और प्लस राजस्थान के जीके में 15 से 25 नंबर भी आपके आ जाते हैं, तो आप 125-130 के आसपास पहुंच जाओगे और आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर मैं बात करूं आपको टारगेट क्या सेट करना है, तो टारगेट सेट करके चलिए आप 130 से 140 के बीच में, ये टारगेट सेट करके चलना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप उसे और बढ़ा लीजिए, 140 से 150 हो जाएगा आपका टारगेट, ये सेट करके चलिए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। कोई ज्यादा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो भी मान के चलिए कि 140 से 150 मुझे टारगेट अपना सेट करना है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 110 से 120 के बीच में जाने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैटर्न ये पहली बार इस तरह से एग्जाम होगा, पहली बार एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी बात, हमें पता है कि पेपर वन और पेपर टू हमारा होने वाला है, 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर सॉरी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 200 नंबर के होने वाले। लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस सेक्शन से कितने नंबर का आने वाला है। अगर मैं पेपर वन की बात करूं, मैथ साइंस रीजनिंग और जीके, राजस्थान का जीके, तो हमें ये नहीं पता कि मैथ से किसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कितने नंबर के होंगे, और आपसे रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो 110 से 120 के बीच में जाने वाली है। और दूसरा मेन पॉइंट, आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, हमें नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है, तो इस वजह से जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो इतनी ही जा सकती है, इससे ज्यादा जाने के चांस बहुत कम है। चांस ये भी हो सकता है और भी होती है कि अगर पेपर सिंपल आ गया, अगर पेपर सिंपल आ गया तो कट ऑफ आपकी ऊपर चली जाएगी, अगर पेपर हार्ड आ गया तो पेपर आपका आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो सब कुछ लेके चलना होता है। तो इसलिए अगर हम एवरेज की बात करें तो 110 से 120 तो आप मान के चलिए, या आप कह सकते हैं 115 से 125 आपकी कट ऑफ होने वाली है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी सभी, जो मैंने आपको बताई होगी कि आपको सेफ स्कोर जो रहने वाला है वो आप 130 140 का टारगेट या 140 150 का टारगेट जनरल कैटेगरी वालों के लिए, आप ये तो कंफर्म मान के ही चलिए, ठीक है। और इन जिस टॉपिक पे जो डाउट है, शायद जहां तक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा।